चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अपने चल रहे टॉपिक गुडविल का आज एक और मेथड आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपने पिछले वीडियो बहुत ही अच्छे से समझी होगी, जिसमें हमने बताया था कि सिंपल एवरेज मेथड क्या है। साथ ही साथ एक एग्जांपल के थ्रू हमने सिंपल एवरेज मेथड से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करना सिखाई थी। तो साथियों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको देता हूँ, इस बार भी यही कहूँगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए पहले पिछले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि एक इमारत तभी स्ट्रॉन्ग बनती है जब आपकी नींव अच्छी हो। तो हमने फाउंडेशनल वीडियो जितनी भी आपके लिए बनाई है उनको आपको देख लेना उचित रहेगा। और आप अपने यूपी बोर्ड की या फिर सीबीएसई बोर्ड, जहाँ पर भी आप एनरोल्ड हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, एमबीए में हो, किसी भी कोर्स में हो, जहाँ पर भी गुडविल का चैप्टर आपको मिलता है, वहाँ ये बेनिफिशियल वीडियोस हो जाएंगी आपके लिए। क्योंकि आपके लिए हमने जितनी भी वीडियोस अब तक बनाई हैं बहुत ही सरल और बहुत ही इजी वे में आपको बना के दी हैं। साथ ही साथ हमने हर वीडियो को आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, हमने किसी भी वीडियो में आपको रटाने की कोई प्रयास नहीं किया है। शायद आपको वो सभी वीडियो अच्छी लगी हो, और नहीं लगी हो तो एक बार फिर कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस के लिंक मैं दे रहा हूँ, आप जाकर के देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है खास। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ख्याति मूल्यांकन की भारित माध्य रीति। ख्याति मूल्यांकन की भारित माध्य रीति। साथियों, अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा हिंदी में हो रहा है बट इंग्लिश में भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को समझेंगे कि भारित माध्य क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि भारित माध्य रीति के द्वारा हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो साथियों, भारित माध्य रीति के द्वारा सबसे पहले हमें भारित माध्य का जो लाभ है वो निकालना होता है, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी ईयर हमें दिए गए हैं जिसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हम उसका प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि उसका गुणनफल निकालते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि हम सबसे पहला स्टेप जो करते हैं मेरे साथियों, स्टेप वन में हम सबसे पहले कंप्यूट करते हैं, गणना करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है साथियों, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है मेरे भाई, ईयर प्रॉफिट या फिर लॉस, और आगे रहता है इनका रैंक। रैंक कह लीजिए या वेट कह लीजिए, उसे वेट भी कह सकते हैं, रैंक भी कह सकते हैं, और आगे प्रोडक्ट। इस तरह की एक टेबल बना ली जाती है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, जो भी साल होंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। तो वेट में क्या करते हैं हम साथियों, पहले वाले साल में पहले नंबर पर एक वेट देते हैं, दूसरे में दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, और जितना इनका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और वेट की हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपका, उसकी मल्टीप्लाई हम वेट जो हमने दिया है उससे कर लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ये सब टोटल जो जोड़ के आएगा आपका, ये हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। जब आप इसको वेट से डिवाइड करेंगे, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15,
इनसे डिवाइड करेंगे 15 से तो आपका निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो साथियों सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, और उसके बाद हम जो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या लिखना है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा आपका, हम उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर से करेंगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर यानी जो क्रय किए गए वर्ष हैं उनसे कर लेंगे, तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखूंगा और इस क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे और पता लगाएंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है साथियों, तो आप बोर्ड पर देखिएगा समझिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर आप देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश लिमिटेड के गत 5 वर्षों का लाभ हानि जो है क्रम से 50,000, 60,000, 40,000, आगे हानि लिखी गई है 30,000 तथा 40,000 है। उनकी ख्याति की गणना 3 क्रय वर्षों के आधार पर कीजिए, और आगे मैं लिख दे रहा हूं चलिए कि भारित औसत माध्य या भारित औसत माध्य लाभ के आधार पर कीजिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ईयर लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर आप प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले नंबर पर कितने रुपए का प्रॉफिट है, 50,000 का, फिर आपका कितना है, 60,000 का, और जो आपका लॉस है आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 40,000, फिर आपका 30,000, और फिर लास्ट में है 40,000। ठीक है साथियों, इतना हुआ आपका काम, आगे चलते हैं और समझते हैं। यहां पर आप देंगे इन्हें वेट, पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है साथियों, अब आप करेंगे प्रोडक्ट, ओके गाइस, 50,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, 60,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये माइनस का होगा 1,20,000, यहाँ 30,000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और 40,000 की इससे करेंगे तो 2,00,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ये माइनस की फिगर है, एक प्लस की फिगर है, कट गई, मैथ के हिसाब से भी ऐसे होगा, 50,000, 1,20,000, 1,70,000, 2,00,000, कितना हो गया, 3,70,000, और ये आ गया आपका 5, 4, 9, 3, 12, 14, 15, टोटल वेट आ गया आपका 15, यहाँ निकाल देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका 1,03,70,000 और डिवाइड बाई 15, ये आपका हो गया 24,666 रुपये 67 कह लीजिए चलिए। और अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने वर्षों के आधार पर, 3, ये आ गई आपकी गुडविल साथियों। तो इस तरह से हमने भारित माध्य लाभ के आधार पर जो है आज सीखा है क्या, गुडविल निकालना। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।